यहाँ पे लोग बुद्धिज्म लोग जो भी ट्रेवल करते हैं यहाँ पे आते हैं, यहीं पे ठहरते हैं। यहाँ पे काफी लोग देख सकते हैं, पूरा बिहार घूम सब जगह घूम लिए, सीताकुंड घूम लिए, साउथ इंडिया। मुझे जीना आया है। सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज के ब्लॉग में आपको दिखाएंगे गया का बुद्धा टेम्पल। तो बुद्धा टेम्पल के एरिया में आ चुके देख सकते हैं, वो देख सकते हैं चारों बगल बुद्धा टेम्पल का ही एरिया है। एंड चलते हैं मेन मंदिर की तरफ, आप लोगों को दिखाएंगे बुद्धा टेम्पल। वेलकम टू महाबुद्धि महावीरा टेम्पल। देख सकते हैं गाइस यहाँ पे लिखा हुआ है वेलकम टू वर्ल्ड हेरिटेज सीट लिखा हुआ है। गाइस यहाँ पे चेकिंग वेकिंग होता है। गाइस यहाँ पे बुद्धा टेम्पल का ऑफिस बनाया गया है, देख सकते हैं लिखा हुआ है स्वास्थ्य शिविर मेडिकल कैंप लगाया गया है। एंड बाहर में सारे लोग वहाँ पे सामान रखवा देते हैं अपने लॉकर में। अभी मैं कह रहा हूँ बुद्धा टेम्पल के जस्ट पीछे, अब देख सकते हैं वहाँ पे है बुद्धा टेम्पल, जूम करके आपको दिखाता हूँ। एंड मेन पॉइंट ये है कि जानते हो गाइस यहाँ पे ना, मतलब यहाँ पे लोग विदेश से भी आते हैं। मैंने अभी देखा नेपाल, चीन, जापान से लोग भी आते हैं। हेलो मैम। तो गाइस अभी अंकल से मिले हैं जो कि पंजाब से हैं एंड बुद्धा पार्क में हैं। कैसा लग रहा है आपको बिहार? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, दो दिन हो गए घूमते बिहार। दो दिन हो गया, सारा बिहार ही घूमे, पूरा बिहार घूमे, सब जगह घूम लिए, सीताकुंड घूम लिए, सीताकुंड देख लिए, फल्गु नदी घूम लिए, गुरुद्वारा में जाओ, गुरुद्वारा में बुद्ध भी देख लिए, अभी यही गया लगा, यही लगा। तो गाइस देखे काफ़ी लोग बाहर से भी आ रहे, पंजाब के लोग थे, आपसे बात करवा दिए, तो सोचेंगे कि बाहरी लोग से बात करें। जापान की भाषा हमें आती नहीं, इसीलिए जापानी लोग से बात नहीं कर पा रहे हैं। तो फिलहाल जो जो यहाँ इंडिया के हैं उनसे बात करके बता देंगे। वो भी जापानी लोग थे, इंग्लिश बोलते तो मैं इंग्लिश में बात कर सकता था। तो ये बाहर का पार्क है, देख सकते हैं पार्क नहीं है, बैठने के लिए सुविधा दिया गया है। हेलो सर, वेयर आर यू? साउथ इंडिया। बुद्धिज्म लोग काफ़ी लोग गोरे गोरे थे एंड हम इंडिया के लोग देख सकते हैं इतने काले हैं। वहाँ पे काफ़ी गोरे गोरे स्मार्ट लग रहे थे, लड़के लड़कियाँ, बूढ़े बूढ़े बुजुर्ग सब गोरे लग रहे थे एंड इंडिया के लोग ही काले लगते हैं, पता नहीं क्यों गाइस, पता नहीं। अब गाइस जा रहे हैं यहाँ से, जगन्नाथ मंदिर बगल में ही है, वहाँ जाके देखते हैं कैसा है मंदिर। और जो कि हम लोगों के फैमिली में कोई एक मेम्बर बोला है जगन्नाथ मंदिर जाना है, तो चलिए चलते हैं जगन्नाथ मंदिर भी, वहाँ पर भी घूम लेते हैं। भूल जाओ कैसे माने, ना मनाओ कैसे तू बता। काफी देर चलते चलते गाइस थक भी गए हैं एंड बहुत ज्यादा प्यास भी लग रहा है, गला सूख रहा है। एंड मंदिर के ठीक सामने ही खड़ा है, देख सकते हैं मंदिर पीछे ही है। चलते हैं, चप्पल तो खोल लिए हैं एंड चलते हैं ऊपर। हम पापा लोग नीचे ही रह गए, बोल रहे हैं रुकने के लिए। हाँ आइए जल्दी अंदर के अंदर, और ये देख सकते हैं अंदर का लुक ये है। रात यूं ही सदा मेरे ख्वाब से आंखें तेरी एक पल। यहाँ पे गाइस श्री राम राधा कृष्णा मंदिर जो भी है, तीन चार भगवान के मूर्ति थे एंड अभी चलते हैं इधर, देखते हैं यहाँ पे कौन सा मंदिर है। फिलहाल यहाँ पर भी भीड़ लगे हुए, देखते हैं कौन सा मंदिर है और कौन से भगवान तेरी और मुझको लेके चले ये दुनिया। सो गाइस जगन्नाथ भगवान से दर्शन करके काफ़ी अच्छा लगा एंड काफ़ी मंदिर भी अच्छा है एंड स्वच्छ भी है। सबसे अच्छा हमको लगा साफ सफाई यहाँ का, बहुत व्यवस्था अच्छा लगा क्योंकि मंदिर में साफ सफाई होना चाहिए गाइस एंड यहाँ पे बहुत अच्छे से साफ सफाई है। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैं हर जगह जाता हूँ तो साफ सफाई देखता हूँ, और हमारे अगल बगल में जितने भी अगर साफ सफाई नहीं तो आप लोग ज़रूर ध्यान रखें साफ सफाई का। ये बात हमको अगर गेट पर जब एंट्री करे थे वही वक्त हम लोगों को समझाया गया। यहाँ पे मार्केट लगा हुआ है, यहाँ पे मंदिर के बाहर निकले हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी खिलौने वगैरह हैं,
क्योंकि यहाँ पे मेला लगा है तो खिलौने के सामान मिलेंगे बच्चा के, यहाँ पे छोटे छोटे कपड़े मिले हैं बच्चा के, एंड यहाँ पे सिंगार का सामान जो भी होता मिला है। कौन सी ले रहे हैं? सिंदूर। तो कैसा अभी आए बुद्धि लोग के जो होटल रहते हैं बुद्धा टेम्पल के बगल में, वो अभी यहाँ पे आए देख सकते हैं। यहाँ पे लोग बुद्धिज्म लोग जो भी ट्रेवल करते हैं यहाँ पे आते हैं, यहीं पे ठहरते हैं। यहाँ पे काफी लोग देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं बुद्धिज्म लोग हैं। तो अभी चलते हैं भैया इसके अंदर, देखते हैं कैसा है बुद्धिज्म लोग का। देख सकते हैं यहाँ पे लोग बुलाएं कितने पे। गाइस बुद्ध भगवान का अंदर का जो मंदिर है, जो सोसाइटी लोगों का बनाया गया है उनके अंदर जो मंदिर है, वो सब आपको दिखाते हैं यहाँ से एक बार में। देख सकते हैं काफ़ी प्यारा लग रहा है एंड मंदिर में बहुत शांति है यहाँ पे। देख सकते हैं यहाँ पे गाइस, देख सकते हैं दीवारों पे चित्र के द्वारा दिखाया गया है बुद्ध भगवान का। यहाँ पे काफ़ी चित्र बने हुए हैं देख सकते हैं। इसलिए गाइस मंदिर में घूम लिया, निकलते हैं बाहर, देखते हैं बाहर में कैसा क्या चीज़ है। जाओ मंदिर में जाओ, बोलता ना ये बात ही कुछ है उसमें। हाँ चलो बाहर से जाओ, बाहर से घूम के जाओ। आप हमारी जान बन गए, आप ही रब आप ईमान बन गए, आप हम केरल नमूना। तो चलिएगा यहाँ से निकलते हैं, निकलते हैं बाहर। एंड ये हिंदी भी जानते हैं, वियतनाम के हैं बट हिंदी भी जानते हैं। इनसे थोड़ा फ़ोटो शूट वगैरह करवा लिए हैं एंड काफ़ी बोल रहे दो तीन बार तक फ़ोटो क्लिक कर। फिर से एक फुल दिखा देते हैं व्यू कैसा है। यहाँ पे गाइस मच्छरदानी बिक रहे हैं, देख सकते हैं मच्छरदानी है। ये सब चाइनीज जापान मच्छरदानी है। चाइना का सामान यहाँ पे बहुत मिल रहा है गाइस, क्योंकि बुद्धिज्म लोग बहुत आते हैं एंड वियतनाम से भी बहुत लोग आते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे मार्केटिंग का भी सुविधा दिया गया है। तो गाइस अभी बहुत गैस तो निकल गए हैं एंड चल रहे हैं रोड पे, देखते हैं गाड़ी किधर मिलती है। हम लोगों को टेम्पू पीछे बैरिकेटिंग के पीछे ही उतार दिया, देखते हैं नया टेम्पू मिलता है। काफ़ी चलते चलते थक गए हैं, बोध गया में पूरा घूम लिए हैं एंड बहुत आज थकावट हो रहा है। आज 5 बजे तक घूमे हैं, बहुत लेट हो चुका है एंड यहाँ सीधे जाएंगे आप अपने रूम पे जाएंगे, जो हमारा होटल है वही रूम, तो वहाँ पे चलते हैं एंड इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा।